नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनुतमा ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में। तो आज दिवाली है तो सबको और हमारी यूट्यूब चैनल की तरफ से मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे फ्रेंड्स को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो आप लोग अच्छे से दिवाली मना रहे होंगे और सेफली मना रहे और अच्छे से मना रहे, तो हम लोग भी कैसे दिवाली मना रहे वही मेरे ब्लॉग में आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो बढ़िया देखते रहिए आप सभी को हमारी तरफ से और हमारी चैनल की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आए बैरागढ़ मार्केट में दिवाली की शॉपिंग करने, और दिवाली की शॉपिंग के साथ हम लोग यहाँ पे जो एमपी में लक्ष्मी पूजा भी होता है दिवाली के दिन, तो हम लोग लक्ष्मी जी की मूर्ति भी खरीदेंगे, पसंद करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और देखिए। मूर्ति पसंद करने में हम लोगों को टाइम लग रहे थे, इसलिए हम लोग सोचा कि मिठाइयाँ ले लेते हैं। मिठाइयाँ बिना तो दिवाली की मनाना मुश्किल है, इसलिए हम लोग आ गए मिठाई की दुकान में जो बैरागढ़ की फेमस वर्षा स्वीट्स में। तो आप लोग देखिए, मिठाई हम ले लेते हैं। पूरा मार्केट बहुत सारे दुकान में घूमने के बाद हम लोगों को ये वाला शॉप दिखा, और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई है। सारी मूर्ति बहुत ही अच्छी लग रहा है, तो इसमें से हम लोगों ने एक मूर्ति पैक कर लिया है। हम लोग जब घर जाके पूजा करेंगे तब आप लोगों को मूर्ति दिखाएंगे। ये देखिए, हमारे वाली मूर्ति को भैया पैक कर रहे हैं, अभी ये मूर्ति लेके हम लोग घर चलेंगे। ये देखिए, ये मेरा भाई जो लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके गृह प्रवेश कर रहे हैं। दिवाली के दिन घर के और वाहनों की पूजा करना बहुत जरूरी होता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो देखिए, हम लोग पहले पूजा करके घर के फिर वाहनों को पूजा कर रहे हैं, और इनकी दिया अगरबत्ती करके टीका लगा रहे, माला पहना रहे। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमारे कार की मैं आरती कर रही, टीका कर रही, फिर हमारी जो दोनों बाइक है उनके टीका करूंगी और पूजा करूंगी। के पूजा करने के बाद अब हम लोग हमारे दोनों जो बाइक है उनके पूजा कर रहे और तिलक कर रहे। तो देखिए, हम लोग गाड़ी को अच्छे से धुला के फिर टीका करके इनको नए माला पहना दिया है, और दिवाली के दिन गाड़ियों को पूजा करना शुभ माना जाता है, इसलिए हम लोग पूजा कर दिए हैं इनके। आप देखिए, शाम होने वाला है तो शाम को लक्ष्मी पूजा होएंगे घर पे, तो लक्ष्मी पूजा करने के पहले सबसे पहले मैं रंगोली बना रही अपने घर के सामने। तो देखिए, शाम हो गए और हमारी रंगोली भी खत्म हो चुकी है, और रंगोली में हम लोग दिए जला के रंगोली को अच्छे से सजा रहे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने हमारे घर को कैसे लाइट से अच्छे से सजाया। घर पे अच्छे से दिया लगाने के बाद अब हम लोग आ गए हमारी कॉलोनी के बजरंगबली मंदिर में। तो आप लोग देख सकते हो ये मंदिर कितना अच्छा है, आप लोग दर्शन भी कीजिए।
लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड की एक मेडिकल शॉप है खुद का, तो हम लोग वही आए हैं। यहाँ पे पूजा करेंगे लक्ष्मी जी की, फिर यहाँ पे हम लोग दिए जलाएंगे और यहाँ पे हम लोग फटाका फोड़ेंगे और मिठाइयाँ बांटेंगे, फिर हमारे घर जाएंगे। ये देखिए अब हम लोग हमारे मेडिकल स्टोर के सामने दिए लगा रहे हैं। अब ये देखिए हमारी मेडिकल स्टोर में मैं लक्ष्मी जी की पूजा कर रही हूँ। अब ये देखिए मेरे हस्बैंड दुकान के सामने मेडिकल स्टोर के सामने फटाका फोड़ रहे, और फटाका फोड़ने के बाद हम लोग जाएंगे घर पे अपनी पूजा करेंगे, जो लक्ष्मी जी की घर की पूजा शुरू करेंगे। ये देखिए मेडिकल स्टोर में पूजा करने के बाद हम लोग घर आ गए, और घर आके मैंने यहाँ पे पूरे पूजा की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी को अच्छे से बिठा दिया और पूरे पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अब थोड़ी देर पे ही हम लोग पूजा शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने लक्ष्मी जी को काफ़ी सारा भोग चढ़ाया, काफ़ी तरह की मिठाइयाँ है, गजक है, काफ़ी अलग अलग तरह का की 5 तरह का की फल है और गुंजिया है, और यहाँ पे जो खोई बोलते हैं वो भी है। तो आप लोग देखिए कैसे मैंने तैयारी कर ली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अच्छे से कि यहाँ पे लक्ष्मी जी के साथ मैंने मेरे दोनों कान्हा जी को यहाँ पे बिठाया, ताकि उनकी भी हम पूजा कर सके, उन्हें भी हम मिठाइयाँ खिला सके, और वो हमारे घर के सदस्य है इसलिए हमारे साथ दिवाली भी मना सके, क्योंकि उनके बिना हम तो कुछ नहीं मनाते। तो आप लोग देखिए मैंने उनको भी बिठाया और अच्छे से उनको भी पूजा कर रही हूँ। आप देखिए मैं लक्ष्मी जी की आरती कर रही हूँ। तो पूजा करने के बाद आप टाइम आ चुका है फटाका फोड़ने के, हम लोग बाहर आ गए अपने घर के सामने। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोग फुलझड़ी जला रहे हैं और हर तरह का की फटाका भी फोड़ रहे हैं। तो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए कैसे लग रहा है हमारी दिवाली।
तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा पूरा दिवाली वाला ब्लॉग, और आप लोग जरूर बताना आप लोगों को पूरा ये दिवाली का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल अनुतमा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और हैप्पी दिवाली।